Rolling and action. मेरे को बोला गया कि पंजाबी कढ़ी पकौड़ी बनाओ और मेरे को ना बड़ा सारा सामान रख दिया है सामने। अभी मार्केट में बड़े टाइप की कढ़ी पकौड़ी चल रही है, मैं वो वाली कढ़ी पकौड़ी बनाऊंगा जो मेरी दादी बनाती थी, बिकॉज दैट इज़ पंजाबी कढ़ी पकौड़ी फॉर मी। ठीक है ना, जैसे आजकल का फूड प्रोसेसर होता है ना, वैसे पहले का फूड प्रोसेसर ये था, जब दादी को जल्दी हो रही होती थी तो बस कद्दूकश किया और काम ख़त्म। मेरे को पता नहीं क्या हो गया आजकल, आंखों में ना बड़ा प्याज लगता है। ये किसी को पता है फॉर्मूला? आज ट्राई कर लेता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहते हैं कान के पीछे ना ऐसे प्याज लगा लो। आई हैव नेवर ट्राइड दिस बट अपेरेंटली इट वर्क्स। इट एक्चुअली वर्क्स भाई। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब जो है पहले किचन में जाके प्याज कान के पीछे लगा के काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग इट वर्क्स। तो ये कद्दूकश करती थी पहले हमारी दादी, उनका नाम था सुरजीत, फिर अदरक, ठीक है ना। इसके बाद सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ा दरड़ा धनिया, बड़ा ज़रूरी है वो, ये। उसके बाद बेसन, बेसन के बाद वही मट्ठा जिससे कि कढ़ी बननी है, बिल्कुल थोड़ा सा मट्ठा, छास, सरजीत कौर के पकोड़े। पकोड़े की अगर बात करें ना, तो पकोड़ा जो शब्द है, वो शब्दों की बात हो रही है, तो पकोड़ा जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, पकोड़ा यहाँ से आया, यहाँ से आया। पकोड़ा इज प्योरली एन इंडियन वर्ड, यू नो व्हाई? बिकॉज हिंदुस्तान में ही कल्चर था कच्ची रसोई और पक्की रसोई। कच्ची रसोई वो होती थी जो चीज़ें उबाली जाती थी या कच्ची खाई जाती थी, वो ज़्यादा समय तक रखी नहीं जाती थी। कच्ची रसोई तुरंत बनाई जाती थी और तुरंत खा ली जाती थी। फिर एक होती थी पक्की रसोई। पक्की रसोई जो होती थी वो रसोई होती थी जो आप साथ में लेके जाते थे, जिसमें ज़्यादातर तला खाना होता था, बिकॉज द हीट ऑफ द फ्राइंग ऑफ द ऑयल यूज टू किल ऑल जर्म्स। तो उस खाने में तापमान ज़्यादा लगता था और मॉइस्चर कम होता था। तो जितना भी शादी का खाना या प्रसाद, ये सारा पक्का खाना हो, तला हुआ खाना हमेशा पक्का खाना हुआ था। तो पक्का जो वर्ड है, पका उठा, यानी कि पका खाना धीरे धीरे पका उठा और धीरे धीरे पकौड़ा बन गया। तो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पकौड़ा वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड इफ पक्की रसोई वुडंट हैव एग्जिस्टेड, राइट? पकौड़े और फिटर्स तमाम दुनिया में बनते आए, लेकिन अगर किसी ने चिकपी फ्लावर का इस्तेमाल किया है पकौड़ों में, सबसे पहले वो हिंदुस्तान। दैट ऑल्सो वी नीड टू टेक द क्रेडिट फॉर। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं, यार यू नो, यू कीप टेलिंग मी कि भाई ये भी हिंदुस्तान का नहीं, ये भी हिंदुस्तान का नहीं है। पकौड़ा शब्द हिंदुस्तान का है और चिकपी बैटरिंग का जो ट्रिक है वो भी काफ़ी हद तक हिंदुस्तान का। निक्के निक्के पकौड़े बनाने हैं, निक्के निक्के। अगेन, माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज, ये जो पकौड़े हैं ना, ये ओवर फ्राइड होने चाहिए। ओवर फ्राइड होंगे तो सूख जाएंगे, और एक बार सूख गए ना तो फिर कड़ी को बराबर से सोख लेंगे। नाइस, सो आई जस्ट टेक देम आउट हाफ डन। दीज आर ट्रिक्स यू लर्न इन होटल्स, कि फ्राइंग का ना पहले सारा सामान हाफ डन निकाल लो, उसके बाद एक साथ एकदम करारा कर लो। अच्छा, तब तक तड़के की तैयारी करें। तुड़के की तैयारी के लिए प्याज, कद्दूकश। इफ यू वॉन्ट टू मेक कड़ी विद दही, माई सजेशन इज एटलीस्ट खट्टा दही यूज करें। वो खट्टे दही से क्या होगा ना कि द नेचुरल सावरनेस विल कम। और दूसरा, फर्मेंटेशन इज गुड फॉर हेल्थ, तो फर्मेंटेड दही ऑटोमेटिकली बिकम्स गुड फॉर यू। अदरक के साथ में लहसुन, रफली क्रश्ड, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाइनली होना चाहिए, बारीकी होनी चाहिए। हो गई, तेल रेडी, सेकेंड फ्राइंग। यू नो, कड़ी अगर कहा जाए कि भाई पंजाब का सिग्नेचर है, तो वो गलत होगा। यू नो मी बीइंग अ पंजाबी, आई एम सेइंग दैट बिकॉज कड़ी वाज नेवर अबाउट पंजाब। ये जो था, ये वो इंडस वैली की कड़ी थी, जो सिंधु नदी की कड़ी थी, जो शुरू होती थी सिंध से, फिर पंजाब में आती थी, उसके बाद गुजरात,
और राजस्थान तक जाती है. सो कड़ी इज बेसिकली अ शेयर्ड कॉन्सेप्ट एंड नन ऑफ दी स्टेट्स कैन ले क्लेम टू द ओरिजिनल कड़ी. जो शब्द है कड़ी उसके लिए शायद पंजाब में क्लेम लिया जा सकता है कि हाँ भाई खड़ा हुआ मतलब अच्छे से पका हुआ जो वर्ड है वो कढ़ाई से आता है, वो पंजाब में यू नो पंजाबी शब्द है, उर्दू पंजाबी शब्द है. बट द ओरिजिन्स ऑफ कड़ी बिलोंग टू द एरिया द डेल्टा ऑफ द इंडस, द एरिया ऑफ फाइव रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध गोइंग ऑल द वे डाउन टू गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. ये मट्ठे के लिए टमाटर भी मोटा मोटा चॉप करना है. Pakoda is done. Lovely. And jama karare lal. Aur ye besan. Zyada besan nahi hai, bilkul thoda sa. That's it. Besan ke baad haldi, namak. अब यहाँ पे बीजी जो है वो यूज़ कर लेती थी मदानी, जो मट्ठा बनाने वाली मदानी होती थी ना. तेल में जीरा, अदरक लहसुन, साथ में ही लाल मिर्च. बस तेल को वापस ताप पे लाके, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना अदरक लहसुन को भी. प्याज, लेकिन प्याज से पहले सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट दरड़ा हुआ धनिया. एंड नाउ द प्याज. अब इसको तसल्ली से अच्छे से बराबर से भूनना है, इसका पानी निकालना है बराबर. नाइस. प्याज के भुनने की खुशबू आ गई ना. अभी लाल मिर्च पाउडर माड़ा जा, बस ना दा बिल्कुल थोड़ा सा नाम का धनिया पाउडर, टमाटोज, सॉल्ट. अच्छा टमाटरों को ज्यादा पकाना नहीं है, टमाटर इज ओनली फॉर द जूसीनेस. ये है स्टेज मसाले की जब हम अपना मट्ठा डालेंगे. आई शाबाश. अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि शुरू शुरू में इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखना ताकि बेसन को बराबर से घुलने का टाइम मिले. और एक बार उबाला आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उबाला आने तक उसको काढ़ना बहुत ज़रूरी है. बीजी बेचारे लग गए रहते थे थोड़ी ची, एक घड़ा होता था बड़ा सा, उसमें लगे रहते थे बीजी, धीरे धीरे काट रहे होते थे. हम पहुंच जाते थे जब बन जाती थी लास्ट में, हम बशर्मों की तरह पहुंच जाते थे. अगेन इन माय वर्ल्ड, अडिस जिस वर्ल्ड में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस पंजाबी घर में, इससे गाढ़ी नहीं होनी चाहिए कड़ी. सी दैट. और बारीक कटा धनिया. अरे जी ये लो, अब ये गई पकौड़ियाँ. बस बाकी जो पकौड़ी जाएगी थोड़ा फ्लेवर पकौड़ी का आएगा. वो की कहते पंजाबी च नज़ारा ही आ गया है ना, पकौड़ियाँ पिछे लड़ाई होती है पंजाबी करे. यू नो इफ यू स्क्रोल डाउन देयर इज अ रेसिपी, और अगर वापस देखना है जस्ट रीवाइंड और सब्सक्राइब कर देना यार.